दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जात भाइयों का पक्ष करने को खड़ा हुआ करता है, वह खड़ा होगा, और तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वह बच निकलेंगे, और भूमि के नीचे जो सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए जाग उठेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। और हे दानियल, तू इन वचनों को अंत समय तक बंद कर रख और इस पुस्तक पर मुहर दे रख। बहुत लोग पूछपाछ और धूमधाम तो करे थे, और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा कि इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दहिना और बाया दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की यह शपथ खाई कि यह दशा 3.5 ही काल तक रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति तोड़ते तोड़ते टूट जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु सिखाने वाले समझेंगे। और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और उजाड़ने वाली घिनौनी वस्तु स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा, वह उस समय तक तू विश्राम करता रहेगा, फिर उन दिनों के अंत में निज भाग पर खड़ा होगा।